हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मम्मा और बेटा अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और सुबह से व्लॉगिंग तो नहीं की थी मैंने, अब स्टार्ट की है। और कुकू का पूरा मस्ती का मूड है ना कुकू? हेलो कर दो सबको, पूछो कैसे हो आप सब। तो गाइस, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी, हमने आशीष का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया लास्ट ईयर और इस साल। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी शाम के 5 बज गए हैं, मम्मा और बेटी ने आराम कर लिया है, अब हम उठी उठी करेंगे, है ना कुकू? तो गाइस, काम वगैरह तो सब हो गए थे मेरे, बस अब कुकू को मुझे थोड़ा बाहर घुमाने लेके जाना है, तो वो घूमने जाएगी मेरे साथ। वॉक पे जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अभी आशीष भी नहीं है तो मेरा काम सब जल्दी जल्दी हो ही जाता है, तो हम लोग वॉक पे जाते। तो आप लोग भी चलना हमारे साथ वॉक पर, ओके गाइस? ओके ना कुकू, हमारे साथ सब लोग भी जाएंगे घूमने, ठीक है ना? देखो कितना खुश हो गई है, कितना खुश हो गया मेरा बेटा, है ना? कितने खुश हो गया भाई, सब जी बोलो ना कि आप लोग कमेंट किया करो ना, कमेंट करना भूल जाते हो आप लोग। ओके ओके, इसे देखना, मैं अभी दिखाती हूँ, ये फोन को ही देखती रहेगी। इधर देखिए बेटा, कुकु 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 कुकु, कितना प्यारा है मम्मा का गोलू, कितना प्यारा है मम्मा का सोनी, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। चलो बेटा, मम्मा अब आपको घुमाने लेके जाएगी, मम्मा आपको थोड़ा सा तैयार कर देगी, फिर घुमाने लेके जाएगी। आज भी मैंने कुकू को नई ड्रेस बनाई है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं यहाँ आई थी तो अधिकतर कपड़े सर्दियों के ही लेके आई थी। कुछ कपड़े जो हैं वो मेरी ननद और मेरी मम्मी ने दिए थे। अधिकतर कपड़े मैं सर्दियों के ही लेकर आई थी, कियांशा के, और अगर गर्मियों के थे भी तो वो फुल बाजू के थे पूरे प्रॉपर, कोई भी ऐसे नहीं थे कि उसके झबले टाइप हों या फ्रॉक टाइप हों, कट स्लीव्स तो वो नहीं थे। तो कुछ कपड़े जो बड़े थे वो मैंने इसके बेड में रख दिए थे और मैं भूल गई उनको रख के कि हाँ ये कपड़े भी ये पहन सकती है। तो मैंने कुछ दिनों पहले ही कुछ कपड़े निकाले इसके, तो जिनमें से ये ड्रेस भी है, तो मैंने इसको आज पहनाई ये ड्रेस, ये मेरी मम्मी ने दी थी। और ये मामू की पसंद की ड्रेस है ना? मामू ने पसंद की थी आपके लिए ये ड्रेस, है ना कुकू? ओके, मामू को थैंक यू नहीं बोलोगे आप? तो गाइज, अब हम इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं। तो गाइज, हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकल गए थे और अभी हम लोग घर से थोड़ा 10 मिनट की दूरी पे आ गए हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यहीं पे वॉक करने के लिए आती थी, और अभी कियांशा के साथ आ रही हूँ, है ना बेटी? कियांशा मम्मा वॉक करने आए हैं। पूरा पूरा दिन ना घर में भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कुकू को थोड़ा घुमा के ले आती हूँ, मैं भी घूम लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश मूड हो जाता है ना कुकू? तो मैं इस रोड से आई हूँ और ये मेन रोड आ गई है। ये जो सामने रोड दिख रही है ये जाती है बेदीपोर्ट, यानी कि जाती है समुद्र की तरफ। ये इधर रूट से समुद्र की तरफ जाते हैं, रेलवे स्टेशन भी। अभी तो ये रूट पूरी बन गई है, पहले नहीं बनी हुई थी। जब मैं वॉक करने आती थी कियांशा के टाइम पे इवनिंग में, तो ये पूरा रोड बिल्कुल ख़राब था। मॉर्निंग वॉक तो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं इवनिंग में बहुत ज़्यादा कवर कर जाती थी। मुझे लगता है कि शायद 2 से 3 किलोमीटर में चल देती थी। अब तो इतना चला जाता है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कियांशा को लेती हूँ ना गोद में, तो अब तो मुझे इतना चलने की आदत नहीं रही। लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं चलूँ,
क्योंकि बॉडी ना बहुत ज़्यादा वीक सी लगती है कभी कभी, जब से बेबी हुआ है तो वीक वगैरह लग रही है मुझे, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी वीकनेस मुझे पसंद ही नहीं है। तो क्योंकि मैं पहले एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, अब मैं एक्सरसाइज भी बंद कर रखी है मैंने, तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से, वो सही भी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि काम वगैरह करती हूँ और साथ में बच्चे को भी संभालना होता है, तो यार अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दूंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं अब थोड़ा वॉक इवनिंग में कोशिश करती करूँगी कि इवनिंग वॉक कर लूँ, अभी आशीष भी नहीं है तो मेरे पास ये मौका भी है कि हाँ मैं अभी कर सकती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि आशीष होते हैं ना तो उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होता है, कभी भी जाना पड़ सकता है तो उनके लिए खाना वगैरह रेडी करना ये सब कुछ करना, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता खुद के लिए। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है, मैं अपने आप को टाइम दूँगी कि आशीष को। ये एरिया ना पूरा जंगल था और अब यहाँ पे घर बना दिए हैं, वो सामने आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही होगी ना, वो पूरा रवि पार्क है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मतलब सोसाइटी है। अब ये रूट पहले से बहुत चौड़ा हो गया है, पहले मिड की जो आपको दिख रहा है ना बीच का ही पोर्शन था सिर्फ वो रोड का, और साइड में बिल्कुल भी चलने के ऐसे खुरदुरे खुरदुरे पत्थर थे सारे, तो मैं ऐसे में ही वॉक करने आती थी यहाँ पे इवनिंग में, और अब तो पूरा प्लेन हो गया रास्ता, काफ़ी अच्छा कर दिया ना रास्ता पहले से, अच्छा हो गया सब कुछ। मुझे लगता है इस साइड भी बिल्डिंग बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह रेत वगैरह पड़ा है, सब जगह बिल्डिंग बन जाएगी है ना, पहले पूरा जंगल था यहाँ पे। मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना, मैंने प्रियांशा की दो निकट सिले उसके बाद सिलाई को हाथ भी नहीं लगाया मैंने, अब मुझे मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए निक्कर बनाने के लिए इलास्टिक भी ले आती हूँ, अगर मिल गई तो छोटे वाले बच्चों के लिए। इसका टकला दिख रहा होगा आप लोगों को, टक्कू अरे टक्कू ओए सुनो टक्कू टक्कू कैसे टक्कू, तो मैं सोचूं इलास्टिक भी ले आऊँ, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना, मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ इतने सारे, मुझे बनाना ही पड़ेगा प्रियांशा के लिए कुछ लंच, तो ट्राई करेंगे बनाने की। वैसे शाम हो चुकी है, सूरज ढल गया है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बहुत प्यारी सी, यहाँ हवा बहुत अच्छी है वैसे, पर अपने हरिद्वार की बात अलग है, हरिद्वार की हवा और भी अच्छी है, हाँ गंगा जी है ना। तो मैंने इलास्टिक ले ली है, अब देखती हूँ कब सिलाई मशीन को हाथ लगाऊंगी, पता नहीं क्यों एक ना वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को, मेरा पहले निकल सिला वही छोटा सिल गया, तो अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है सिलने का सच बताऊँ तो। और हम लोग घर आने वाले हैं, बस हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर, तो अब घर जाके मिलते हैं। तो गाइज़ रात हो चुकी है और मेरा डिनर वगैरह सब हो गया है, कुकू को थोड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने उसके कपड़े भी निकाल दिए हैं, और कुकू की एक आदत मुझे आपको दिखानी थी तो इसलिए मैंने रात को भी रिकॉर्डिंग की, वैसे मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी थी तो मैं दिखा देती हूँ आपको, कुकू करके बताओ, राधे 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 राधे। अब मैं रुक गई तो देखना कैसे करेगी, अच्छा ठीक है करा रही करा रही करा रही करा रही करा रही, हाँ राधे 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 राधे। राधे राधे करनी है आपको, राधे राधे करनी है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, राधे 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 राधे। तो गाइस मुझे तो लगता है मुझे पूरी रात यही करना पड़ेगा, तो हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, सब्सक्राइब करके भी मत जाना, ओके बाय गुड नाइट बाय बाय। Dishim.